Assalamualaikum, मैं हूं एहसन महमूद एंड वेलकम टू ज़ायंस। इस वीडियो में हम देखेंगे ब्रेव ब्राउजर को आप विंडोज मशीन पे किस तरह इंस्टॉल कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि क्रोम ब्राउजर को आप विंडोज में किस तरह इंस्टॉल कर सकते हैं। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। ब्रेव ब्राउजर को विंडोज पे इंस्टॉल करने के लिए आपके पास ऑलरेडी एक इंटरनेट एक्सप्लोरर होना चाहिए। अगर आपने गूगल क्रोम को अभी तक अपने विंडोज सिस्टम में इंस्टॉल नहीं किया तो आप माइक्रोसॉफ्ट एज को भी यूज कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप गूगल क्रोम को इंस्टॉल कर चुके हैं और ब्रेव ब्राउजर को भी इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप गूगल क्रोम को यूज करते हुए ब्रेव ब्राउजर का जो इंस्टॉलर है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैं यूज करूंगा माइक्रोसॉफ्ट एज को। ब्रेव ब्राउजर डाउनलोड, मैं ब्रेव ब्राउजर लिख के सर्च करूंगा, इस लिंक पे क्लिक करूंगा। ये एक एरर है, ब्रेव ब्राउजर की जो वेबसाइट है वो ऑलमोस्ट हर एक लोकेशन पे एक्सेसिबल नहीं है। तो इस एरर को बाईपास करने के लिए आप कोई भी फ्री वीपीएन यूज कर सकते हैं। मैंने ये ओपन वीपीएन इसको यूज करते हुए और AWS की सर्विस को यूज करते हुए एक पर्सनल फ्री वीपीएन बनाया हुआ है। मैं इंशाल्लाह शॉर्ट कोर्स बना के अपलोड कर दूंगा फ्यूचर में, जिससे कि आप फायदा उठा सकें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे ही मैंने वीपीएन स्टार्ट किया है ये वेबसाइट लोड हो गई है। यहाँ पे डाउनलोड ब्रेव इस पे क्लिक करें, जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे इस स्क्रीन पे आप आ जाएंगे और जो इंस्टॉलर है वो डाउनलोड हो जाएगा। VPN को मैं क्लोज कर दूंगा, जैसे कि उसका काम खत्म हो चुका है। मैंने क्योंकि यहाँ पे क्लिक कर दिया तो वो डाउनलोड्स चली गई हैं। आप यहाँ पे क्लिक करके भी डाउनलोड्स पे जा सकते हैं या फिर कंट्रोल जे दबा के भी डाउनलोड्स का जो फ्लोटिंग विंडो है उसको ला सकते हैं। अब मैं इस पे डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये फाइल ओपन हो जाएगी। अगर मैं इस फोल्डर आइकन पे क्लिक करूंगा तो ये डाउनलोड्स के फोल्डर में चला जाएगा जहां पे ये फाइल डाउनलोड हुई है। मैं अभी इसको क्लोज कर दूंगा, यहाँ पे डायरेक्ट क्लिक करूंगा और इसको स्टार्ट कर दूंगा। आपके सामने वो एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल है वो आएगा कि क्या आप वाकई इसको इंस्टॉल करना चाहते हैं। उस पर यस पे क्लिक करें, उसके बाद ये जो इंस्टॉलिंग का प्रोसेस है वो कंटिन्यू हो जाएगा। आपके पास इसके लिए एक एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, क्योंकि ये इंटरनेट को यूज करते हुए पहले ब्रेव ब्राउजर की जो फाइल्स है उसको डाउनलोड करेगा। अब आप देख सकते हैं डाउनलोडिंग के बाद अब वो इंस्टॉलिंग कर रहा है और इंस्टॉलेशन कम्प्लीट हो गया और ये ब्रेव ब्राउजर स्टार्ट हो गया। ब्रेव ब्राउजर जो फर्स्ट टाइम स्टार्ट होगा, तो लास्ट टाइम जैसे क्रोम ब्राउजर ने भी कहा था कि डिफॉल्ट ब्राउजर सेट कर दिया जाए, ये भी वही पूछ रहा है। मैं इसको स्किप कर दूंगा। अगर आपको नहीं पता कि डिफॉल्ट एप्स क्या होती हैं तो मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, उसको देख के आप उस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं और डिफॉल्ट एप्स विंडो में सेट कर सकते हैं। यहाँ पे ये सेटिंग इंपोर्ट करने का कह रहा है, इसको भी मैं स्किप कर दूंगा और इन दोनों चेक बॉक्सेस को अनचेक करके फिनिश कर दूंगा। और इसी के साथ ब्रेव ब्राउजर जो है वो सेटअप होगा। ब्रेव ब्राउजर में एक ये बहुत ही यूजफुल फीचर है, आप इसको स्टार्ट यूजिंग ब्रेव रिवॉर्ड्स कर लें और इसका ये स्ट्रेट फॉरवर्ड सा प्रोसेस है उसको आप कंप्लीट करेंगे तो ब्रेव ब्राउजर आपको ब्रेव कॉइन जो इसकी क्रिप्टो करेंसी है वो हर महीने एक हाफ देता रहेगा। वो आपकी यूजेज पे डिपेंड करेगा। मीन एक तो ये आपकी प्राइवेसी को भी प्रोटेक्ट करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपको बताएगा कि इसने अभी तक कितने ट्रैकर्स और एड ब्लॉक किए हैं, बैंडविड्थ सेव की है, क्योंकि लेस फाइल्स डाउनलोड होंगी तो बैंडविड्थ उससे सेव होगी आपको, जो टाइम क्योंकि फाइल्स डाउनलोड होने में टाइम लगता है तो वो टाइम आपका सेव होगा। ये एक शॉर्ट वीडियो थी विंडोज पे ब्रेव ब्राउजर को इंस्टॉल करने के मुताबिक। वीडियो को एंड करने से पहले मैं एक चीज आपको दिखाना चाहूंगा कि आप ब्रेव ब्राउजर पे जब किसी वेबसाइट को विजिट करते हैं तो ब्रेव ब्राउजर बाय डिफॉल्ट उस वेबसाइट्स पे लगे एड्स से और ट्रैकर्स वगैरह से आपको प्रोटेक्ट करता है। जो आपकी ट्रस्टेड वेबसाइट्स हैं या कोई वेबसाइट अगर आपकी एक्सेसिबल नहीं हो रही इस वजह से कि एड ब्लॉकर एड्स ब्लॉक हो गए हैं, तो ये तरीकाकार है कि आप ब्रेव आइकन पे क्लिक करेंगे और उसकी शील्ड को ऑफ कर देंगे। ये तरीकाकार है विंडोज मशीन पे ब्रेव ब्राउजर को इंस्टॉल करने का। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उसको कमेंट सेक्शन में पूछें, मैं उसका जवाब दूंगा। वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड आल्सो सब्सक्राइब टू माय चैनल।